आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है करंट इलेक्ट्रिसिटी से, जो रेजिस्टेंस पे बेस्ड है। रेजिस्टेंस का वायर के डायमेंशन के साथ क्या रिलेशन है, और सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से में आर इक्विवेलेंट कैसे पता करते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, कह रहा है रॉड ऑफ लेंथ एल, रॉड का लेंथ है एल, हैविंग रेजिस्टेंस आर, इज कट इंटू टू इक्वल पार्ट्स। दीज पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरल, देन न्यू रेजिस्टेंस शैल बी। पहले कह रहा है कि एक वायर है हमारे पास जिसका लेंथ एल है, इसको हम दो पार्ट में काटते हैं। तो ये जो लेंथ है वो एल बाई टू, इधर का लेंथ भी एल बाई टू हो गया। हम जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है वो रो एल बाई ए होता है। अगर बीच से आप काटते हैं तो एरिया सेम रहता है, एल कट गया। इधर का जो रेजिस्टेंस आर वन और इधर का जो आर टू है उसमें अंतर क्या आया? दोनों तो सेम है, बस क्या अंतर आया? एल को आधा कर दिया हमने, रो एल बाई टू ए। लेंथ जैसे ही आधा किए, पहले का जो रेजिस्टेंस है उसका ये आधा रह गया। अब ये आर बाई टू को ना पैरेलल में कनेक्ट करना है। ये दो हिस्से जो वायर का है उसको हमें पैरेलल में कनेक्ट करना है। हाँ सर, कुछ तो समझ में आ रहा है। ये आर बाई टू को पैरेलल में कनेक्ट किया। अब आप जानते हैं कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का आर इक्विवेलेंट होता है वो वन बाई आर वन, 1/r1 करिएगा तो 1/r/2, 2/r हो गया, प्लस 1/r/2 करेंगे तो 2 ऊपर आ गया, 2/r कितना? 4/r। इसको सॉल्व करने से क्या r इक्विवेलेंट r/4 आ जा रहा है? ऐसे भी हम जानते हैं कि दो इक्वल रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं ना, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसका आधा हो जाता है, r/2 है उसका हाफ, r/4 हो जा रहा है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन थर्ड का सही आंसर है।